एक गांव ऐसा भी। आज हम बात करेंगे धार के एक ऐसे गांव की जो वास्तव में आदर्श ग्राम है। इस गांव की एक दो नहीं बल्कि कई विशेषताएं हैं जो इसे आदर्श ग्राम बनाती है। तो आइए चलते हैं धार के एक छोटे से गांव जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यहाँ है धार जिले के आखिरी छोर में बसा एक छोटा सा गाँव नवादपुरा। यहाँ सभी सुविधाएँ सरोज ऐसी मौजूद है। गाँव में शराबबंदी है, अच्छे स्कूल और आंगनबाड़ी भवन है। गांव में भारत माता का मंदिर बना हुआ है। इसके साथ ही गांव में आरओ का वाटर मिलता है। वही गांव में पौधारोपण भी बड़ी संख्या में किया गया है। अच्छा सीवरेज सिस्टम है और गांव में गौशाला भी है जिससे गांव के दूध की पूर्ति होती है। यह सबका दिखाया है यहां के युवा कमल पटेल ने। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि क्या कहते हैं कमल पटेल। वहीं इस गाँव के बारे में जब हमने धार कलेक्ट्रेट श्रीकांत बनोट से बात की तो उन्होंने भी इस गांव की तरक्की को लेकर खुशी जाहिर की है। वहीं गांव का युवा कमल पटेल की पहली सराहना करते हुए कमल पटेल को 15 अगस्त पर सम्मानित किया जाएगा। संवाददाता आशुतोष सेन की रिपोर्ट। देखेंगे तो बहुत ही उत्कृष्ट काम किया है और मुझे लगता है वहाँ पे जो सरकारी तंत्र है और खासकर जो जनभागीदारी हुआ है वहाँ पे, कमल पटेल का जो लड़का है काफ़ी एक्टिव है, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करके सारे किया है और डेफिनेटली हम आने वाले समय में 15 अगस्त को भी उनको सम्मानित करेंगे। और हम लोग ये भी करेंगे कि हमारे जो बाकी गांव हैं उससे सीख ले और ऐसे उत्कृष्ट कार्य बाकी जगह पे हम लोग रेप्लिकेट कर सके। इसके लिए हम लोग एक्सपोजर विजिट्स भी वहाँ पे लोगों को भेजेंगे ताकि वहाँ से सीख कर बाकी जगहों पे भी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। मैं उन सभी टीम जिन्होंने ये इतना उत्कृष्ट कार्य किया उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, गांव में जो है शराबबंदी भी है सर, कोई भी अपनी शराब नहीं पीता, सेव भी बहुत अच्छी पाया है। डेफिनेटली जैसे कि उसमें सर गांव में एक इंटीग्रेटेड वर्क हुआ है, अच्छा प्लान बना है और सिर्फ बाकी आंगनबाड़ी स्कूल्स के अलावा भी जो जनता को जोड़ के शराबबंदी का काम भी किया है, अन्य काम भी किया है, तो बहुत सारे उत्कृष्ट काम किए हैं जो वहाँ से सीख कर बाकी जगहों पे करने की आवश्यकता है।